नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट इंटरव्यू में। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। आपका स्वागत है सर। सर, आज कैंपेनिंग खत्म हुई है, ताबड़तोड़ आपने रैली की है, आपने एक रिकॉर्ड भी बना लिया स्टार कैंपेनर्स का, क्या माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी, जनता का सर्वत्र स्नेह प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ऑपोजिशन कह रही है, खासकर कमलनाथ जी ने कहा है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार मामा वापस नहीं आएंगे। उनके कहने से क्या होता है, वापस तो जनता लाएगी। सर, आपकी लाडली योजना जो है उसका ग्राउंड पे काफी सुनने में आ रहा है, उत्साह है महिलाओं में, आपको लगता है कि इससे आपकी इलेक्शन में फर्क पड़ेगा? केवल इलेक्शन के लिए नहीं है, और एक योजना नहीं है, लाडली लक्ष्मी हम 2006 में लाए, कन्या विवाह लाए, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, फिर सर्विसेज में पुलिस में सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में 30% बेटियों की भर्ती करना शुरू की, कई काम किए, उसकी एक कड़ी है लाडली बहना योजना। और निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना ने मेरे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाया है, आत्मगौरव बढ़ाया है, और वो बहनें हमारे साथ हैं। ये कोई पॉलिटिकल रिश्ते नहीं है मेरे, और आज के रिश्ते नहीं हैं, रिश्ते हैं भाई बहन के, रिश्ते भांजे भांजियों के, अलग तरह का रिश्ते है क्योंकि मेरा परिवार है पूरा। सर, ये अमित शाह जी ने कहा है कि भाजपा की सरकार आती है तो राम मंदिर का दौर वो एक तरह से विजिट भी कराई जाएगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं आप रिलीजन का कार्ड खेल रहे हैं। कमलनाथ जी के कहने से कुछ नहीं होता है, अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजेंगे तो सब दर्शन करने जाएंगे। सर, अगर आप वापसी आते हैं तो क्या सीएम हम आपको देखेंगे सर? ये तो पार्टी तय करेंगे। सर, आपने ट्राइबल पे के लिए, सर आपने ट्राइबल्स के लिए बहुत किया, 2021 से आपने पेशा से लेकर घर घर राशन तक पहुंचाया, सर क्या लगता है आपको इस बार ट्राइबल आपके साथ कितना खड़े होंगे? सर, ट्राइबल भी खड़े होंगे साथ में और बाकी जनता भी खड़ी होगी, क्योंकि हम इतना भेद नहीं करते, जनता तो हमारी जनता है। तो पेशा भी लागू किया है, उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं भी बनाई है, वो नीचे जमीन पर उतरी है, वो इस बार तेंदुपत्ता तोड़ने के काम से लेके जल जमीन जंगल पर अधिकार कई चीजें दी है, तो सब लोग साथ हैं। समाज इस बार कलेक्टिव लीडरशिप पे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन आपका चेहरा भी तो एक इतने आप में सक्षम है। हमें देखिए, ये अहंकार की भाषा में कभी नहीं बोलता, कोई एक व्यक्ति कभी सक्षम नहीं होता। मैं अगर कहूंगा तो मैं अहंकार से भरा वो व्यक्ति होऊंगा जो केवल अपनी सोचता है। मेरी पार्टी में मेरे कद के कई नेता हैं, मुझसे सक्षम भी है, और मध्य प्रदेश में ही है कई लोग मुझसे सक्षम। तो ये तो अलग बात है कि पार्टी अलग अलग लोगों को जवाबदारी जो सौंपती पूरा करते हैं, हम तो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, मुझमें विशेष कुछ भी नहीं है। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे तो ओबीसी कास्ट सेंसस करवाएंगे, आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में ऑलरेडी रिजर्वेशन दे चुके हैं, आपको लगता है इस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, वो क्या कह रहे हैं इस पर मुझे नहीं जाना, ना कोई टिप्पणी करना। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, ओबीसी के लिए भी हमने खूब काम किया है, समाज के सब वर्गों के लोग हमारे भाई बहन हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं, ओबीसी के लिए भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे एंड दिस इज इरम सिद्दीकी रिपोर्टिंग। थैंक यू।